ये वाला केस रह जाता है, चलो पूरा कर लेते हैं। तो क्या है, हमारा जो लेंजलॉ का कंसेप्ट है वो पक्का हो जाएगा इसको अगर हम डिस्कस कर लेंगे तो। ठीक है, दो तुम लोग का बिल्कुल सही है। थर्ड वाला देखते हैं। हरनाज, तुमने थर्ड केस आंसर किया है? चलो देखते हैं। तो भाई तरीका वही है, बेसिक तरीका बिल्कुल वही है। सुनो, बेसिक तरीका वही है कि हमें मैग्नेटिक जो फ्लक्स है उसी को हमें गेस करना है। ठीक है, ओके। तुमने स्मृति, तुम्हें किसी और मेथड से सिखाया था इंड्यूस करंट का डायरेक्शन? स्मृति, नहीं सर, मतलब सिखाया भी होगा तो मैं तो इसी से कर रही थी क्लास में आंसर। क्या कह रही हो? मैं तो इसी मेथड से कर रही थी आंसर। नहीं, तो समझ नहीं आया। जब तुम पाठशाला में कर रही थी तो वहां ईएमआई तुमने पहले किया है या हमारे पीवाईएल के बाद किया है वहां पे? नहीं सर, उधर पहले कर लिया सर। तो वही पूछ रहा हूँ। तो वहां पे क्या मेथड सिखाया था इंड्यूस करंट का निकालने वहां का? पे एक्चुअली जो सर मतलब बता रहे थे वो समझ ही नहीं आ रहा था मेरे को, बट मैंने जो लेंज लॉ की डेफिनेशन पढ़ी थी मैं उसी हिसाब से कर रही थी कि वो उसको अपोज करा था जितनी बार भी। सर कुछ और ही बता रहे थे, मेरे को समझ नहीं आ रहा था वो। अच्छा, तो आपने डेफिनेशन कहाँ से पढ़ी थी, अपने आप जो पढ़ी थी? देखो डेफिनेशन तो मतलब एक ही है, उन्होंने लिखवा दी थी, मैंने उसी से कर अच्छा, ली। जो लिखवाई थी आप उसी को पढ़ के कर रहे थे। ठीक है ठीक है ठीक है, राइट। पर अभी अभी लेंजला बिल्कुल क्लियर है कैसे यस सर। लगाना है, और देख लेते हैं अभी थर्ड वाला। अगर तुम्हारा सही हो गया तो बिल्कुल मेरी सेटिस्फेक्शन लेवल पे भी तुम पास हो जाओगे। ठीक है, देखते हैं थर्ड वाला केस। वी हैव टू गैस मैग्नेटिक फ्लक्स बी ए कॉस सीटा। बी का अगर हम सीन चेक करें तो बी का क्या मानेंगे, कॉन्स्टेंट ही मानेंगे बी को? यस सर। बिल्कुल सही, बी कॉन्स्टेंट मानेंगे। क्यों मानेंगे बी को कॉन्स्टेंट? क्योंकि बी यहाँ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बी इज रिप्रेजेंटिंग एज ए मैग्नेटिक फील्ड मैग्नीट्यूड एसोसिएटेड विद दिस लूप। गेटिंग पॉइंट, बी यहाँ क्या रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड मैग्नीट्यूड एसोसिएटेड विद लूप। ठीक बात है। अब ये जो लूप है, इस लूप का एरिया चाहे वेरी करे तो इससे इसके मैग्नीट्यूड को थोड़ी ना कोई मतलब है। वो भी लग रही, उसके मैग्नीट्यूड को मतलब तो उसके सोर्स से है, जो जो सोर्स बी को प्रोड्यूस कर रहा है उससे मतलब है। अगर अगर उस सोर्स का ये क्राइटेरिया है कि मुझे बी को कांस्टेंट रखना है तो वो तो कांस्टेंट ही रहेगा ना, एरिया से क्या मतलब है उसे? अरे, ऑल ऑफ यू गेटिंग पॉइंट? ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर है ना, वाई वाई द मैग्नेटिक फील्ड विल बी कॉन्स्टेंट। अब आ जाओ एरिया पे। एरिया के बारे में साफ लिखा है ए इज वेरिएबल और इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है एज पर द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया गिवन टू यू। इंक्रीज हो रहा है, तो एरिया एरिया क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है मान ले। सो यस सर। इफ एरिया इज इंक्रीजिंग इट मींस फ्लक्स इज इंक्रीजिंग, यस सर। और अगर फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है तो डेफिनेटली इसका मतलब है फ्लक्स में चेंज आ रहा है, और फ्लक्स में अगर चेंज आ रहा है तो डेफिनेटली इसके अंदर इंड्यूस करंट बनना चाहिए। कौन ये बात मानता है? इसको रेस्ट से कोई मतलब नहीं है, याद रखना, लूप के रेस्ट से कोई मतलब नहीं है, सारा मतलब है मैग्नेटिक फ्लक्स से। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स किसी भी सिचुएशन से चेंज होता है तो उसमें
इंड्यूस करंट आएगा ही आएगा, जो बच्चा ये तो मानता है असल में ईएमआई उसी को समझ में आया है। ठीक है, हैंड रेज कर दो। ईएमआई का कॉन्सेप्ट उसी को समझ में आया असल। दोनों के हैंड रेज हैं तो मान सकते हैं आप ईएमआई को समझ चुके हैं। आप जरा डायरेक्शन चेक कर लेते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज, मैग्नेटिक फ्लक्स अब इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब हमें अपोज करना है इसको बाय लेंज लॉ। बाय यस लॉ टू अपोज करना है हमें। तो इंक्रीज का अपोज क्या होता है? प्लीज। डिक्रीज करना है इसका मतलब। अब डिक्रीज करने का तरीका क्या हुआ? जो अवेलेबल मैग्नेटिक लाइन्स हैं आप वो देखो, इस लूप के साथ अवेलेबल मैग्नेटिक लाइन्स डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड है ना, क्रॉस वाली, तो डाउनवर्ड डाउनवर्ड है, मुझे अपोज करना है। तो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अपवर्ड होनी चाहिए अपोज के लिए। यस सर। तो अपवर्ड करने के लिए मैं ये मान लेता हूँ, डॉटेड दिखा देता हूँ। डॉटेड क्या रिप्रेजेंट कर रही है? इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू ईएमआई। और अब आपको क्या गेस करना है कि इस इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बनने के लिए इंड्यूस करंट कैसा बनेगा लूप में। अब आपको उसके लिए राइट हैंड रूल को आपको यूज करना है, जिसके अकॉर्डिंगली थंब को आप डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट में करके कर्वेचर ऑफ फिंगर आपको डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट दे देगा। तो आप देखो लगा के देखो तो क्या बन रहा है। थंब ऊपर जा रहा है और थंब के ऊपर जाने से कर्वेचर ऑफ फिंगर्स कहाँ जा रही है? क्लॉक, एंटी क्लॉक, एंटीक्लॉक एंटी क्लॉक जा रही है। तो भाई स्मृति तो हो गई पास लेंज लॉ टेस्ट में और ईएमआई टेस्ट में। हरनाज भी ऑलमोस्ट पास ही है, क्यों हरनाज, मान सकते हैं ऐसा, मान सकते हैं। चलिए ठीक है, फिर एंड करते हैं। कल संडे है, कल आपका टेस्ट है चैप्टर 5 का, यस गिव योर टेस्ट। मंडे वी विल यस प्रोसीड सर यस नेक्स्ट। ठीक है, ओके एवरीवन। सर। पिछले टेस्ट का रिजल्ट जल्दी देंगे, बहुत जल्दी देंगे। ठीक है, सर। थैंक ओके। यू सर।